खरगोन जिले की पुलिस लाइन में नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ हुआ, जिसमें इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक हरि नारायण चारी मिश्र ने पधारकर देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा रखने वाले सिपाहियों की इस अनूठी सौगात का फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि पुलिस चैलेंज सिंह के निर्देशन में सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार सहित अनेक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र ने हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए हॉस्पिटल वार्ड कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और सराहना की। इस दौरान जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने अनूठी सौगात की महकमे को शुभकामनाएं देकर बताया कि उनकी टीम ने कोरोना काल के बीच बड़े खुलासे करके बदमाशों को उनके मुकाम तक पहुंचाया, जो निश्चित तौर पर देशभक्ति जनसेवा की मिसाल पेश करने वाली पहल है और ऐसे महकमे पर उन्हें नाज है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इन्वॉल्व किया है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे भी इन्वॉल्व करके बहुत अच्छे मतलब फंड और उसकी व्यवस्थाएं जो है पूर्ति कर पाए, और वो भी बहुत कम समय में। अगर जनरल समय में ये काम अगर करना है कम से कम 6 महीने लगेगी आईसीयू को सीलिंग से लेके पूरा पाइपलाइन लगाने के काम ही जो है 20 दिन का ले सकते थे, पर पुलिस प्रशासन का टीम जो है इसको बहुत कम समय 20 दिन ही जो है ख़त्म कर लिया है। इसके साथ साथ सर मैं ये बताना चाहती हूँ, जो खरगोन की नंबर ऑफ एफआईआर और 188 हुआ है, मैं सोच रही हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ लॉकडाउन का पालन और कार्रवाई भी हुआ है, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट नंबर्स है इस डिवीज़न में। सो इसी वजह से हमारा केसेस को भी जो है हम थोड़ा इजीली कंट्रोल कर पाए थे। मैं सभी पुलिस विभाग की कर्मचारी को जो है धन्यवाद भी देना हुए थे। ये कुल हमारे करीब 214 लोग जो हैं इसलिए और इस वेव को मिला के संक्रमित हुए, जिसमें से करीब 5 हमारे पुलिसकर्मी साथी हैं जिनका निधन हो गया। वर्तमान में केवल हमारे 6 पुलिसकर्मी हैं जो भी पॉजिटिव हैं, जिनमें से अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर नहीं है और सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर इस बार की वेव में हमारे पुलिसकर्मी कहीं अधिक संक्रमित हुए थे पिछली बार की तुलना में, किंतु कहीं ना कहीं इसका मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे सभी पुलिसकर्मियों का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके चलते पिछली बार जो हमारे 4 पुलिसकर्मियों का निधन हुआ था, इस बार उसकी तुलना में कहीं अधिक संक्रमण होने के बाद भी केवल हमारे 1 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई, जो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती है कि संभवतः वैक्सीनेशन होने से जो इसकी मृत्यु की दर है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। संक्रमण गई है वहाँ पर सामान्य जो प्रारंभिक जो भी चिकित्सा सुविधाएँ हो सकती हैं वो सारी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पर जो पुलिसकर्मी जो हमारे जवान जो हमारे पुलिस के साथ ही जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये हौसला बढ़ाने के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये हॉस्पिटल कारगर सिद्ध होगा आने वाले समय में। हालांकि धीरे धीरे शहर खुलना शुरू हो गया है, लेकिन आने वाले समय में हमें उसी तरह सचेत रहना होगा, उसी तरह लगातार सजग रहना होगा, क्योंकि बगल के कई जिलों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कई जिलों में अमरावती और आसपास के जलगांव जैसे जिलों में बीच बीच में केसेज बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। यानी कि केसेज को जो उतार का एक दौर चला था 15-20 दिनों के बाद अचानक 15 तारीख के बाद 15 मई के बाद फिर हल्के हल्के केसेज कई जिलों में बढ़े हैं। यानी कि हम किसी भी अभी आपात स्थिति निश्चित तौर पर इस समस्या के जो वर्तमान स्वरूप है उसके ढलान पर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर हम लापरवाही बरतें इसके बावजूद ये ढलान चलता रहे, आने वाले समय में और चुनौती का स्वरूप हो सकता है। इसलिए हमें सचेत रहना है लॉकडाउन से संबंधित जो बात है कि वर्तमान चुनौती के दौर में पुलिस भी उस चुनौती के दौर से गुजर रही है, और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार हर जगह पर इस तरह के पुलिस के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स और उसको बेहतर बनाने के लिए उसको उन्नतित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में आज मुख्यतः खरगोन जिले यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा काफ़ी एक बेहतर और अभिनव प्रयास किए गए हैं। इन्होंने एक जिन सिंह बड़े हॉस्पिटल को चिकित्सालय को एक बेहतर आधुनिक और बहुत सारी जो चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ हैं उनसे युक्त एक अच्छे चिकित्सालय में बदला है। मैं इनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यतः हम जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं उसमें बड़ी संख्या में इस चुनौती के दौर में संक्रमित हुए हैं। अगर हम पूरे जून की बात करें तो लगभग 1700 ऐसे जवान हैं जो इस दौरान लगातार संक्रमित हुए, ठीक भी हुए। लगभग 7 जवानों को
जो हमारे साथी थे वो इस दौर में हम लोगों ने खोया भी, लेकिन इस चुनौती के दौर में आगे के लिए आत्मविश्वास उनका बेहतर रहे, बेहतर ढंग से ज़्यादा हौसले के साथ वो काम कर सके, इसलिए इस तरह के चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है और उस दरमियान उस क्रम में यहाँ पे एक अच्छा प्रयास हुआ है। मैं तो यहाँ की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खरगोन में लगातार अपराधों पर नियंत्रण की दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं और कानून व्यवस्था और मुख्य तौर पर जो अपराधों पर नियंत्रण उस दिशा में पुलिस ने अच्छा कहा। थर्ड वेव जो आने वाली है उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, अभी तक हम अगर पूरे महामारियों की बात करें, अगर विगत हम कई सौ वर्षों के इतिहासों को देखें, जो पुरानी जो घटनाएं हैं उनको पलटे, तो ऐसा अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो घातक इस तरह की महामारियाँ हुई हैं, चाहे 1820 की चाहे 1920 की, सेकेंड वो बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इस दौर में भी हम लोगों ने देखा कि कई गुना ज़्यादा घातक थी मुख्य तौर पर प्रथम दौर के मुकाबले जो दूसरी चुनौती थी। हमें उम्मीद है तीसरी चुनौती के लिए भी हम लोग तैयार हो रहे हैं। आप मान सकते हैं कि अभी जो हॉस्पिटल तैयार हुआ है शायद उसी तरह की चुनौती से निपटने की दिशा में प्रयास है। इस कड़ी में मुख्य तौर पर अगर हम तीसरे बात करें तो सामान्य तौर पर दूसरी चुनौती में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, न सिर्फ यहाँ बल्कि हम देखेंगे तो हर जगह हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है, टीकाकृत लोगों की संख्या बढ़ी है, लोगों में इस बात को लेकर के जागरूकता बढ़ी है, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी है समाज में, कुछ नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, इसलिए इस बात को लेकर के हम आशान्वित हैं कि आने वाली तीसरी लहर को रोकने में हम कामयाब होंगे, प्रभावी ढंग से इसे निपटेंगे। और साथ ही साथ आज का जो हॉस्पिटल है उसमें मुख्य तौर पर पूरी टीम ने काम किया है, हमारी पुलिस अधीक्षक ने कई जगहों को मुख्य जिला प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, जन भागीदारी से उसमें बहुत सारा योगदान हुआ है। इन सारे लोगों के सहयोग के बिना इस तरह का बेहतर चिकित्सालय शायद खड़ा कर पाना संभव नहीं होता, तो मुख्य तौर पर इन सारी टीमों को जिन लोगों ने उसमें सहयोग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनको भी मैं पुलिस की तरफ से धन्यवाद। सर, महामारी से निपटने में जो भी चुनौती सामने आई है पुलिस ने हर चुनौती को बड़े ही बखूबी का सामना किया है, उस पर लगाम लगाई है। अगर मुख्य तौर पर अगर किसी तरह की कालाबाजारी की बात आई है या कई बार नकली इंजेक्शंस को लगाने की बात आई है, अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंदौर और कई आसपास के कुछ और भी एक दो जिलों में इस तरह की नकली इंजेक्शन भी बेचे गए। सबसे इससे महत्वपूर्ण बात थी कि वो जो नकली इंजेक्शन बेचे गए या यहाँ पर कालाबाजारी हो, ये इंजेक्शन यहाँ नहीं बने थे, दूसरे राज्य में बने थे, दूसरे राज्य में भी खपाए गए थे यहाँ पर ज़्यादा संख्या, लेकिन जब इन इलाकों में आए, इंदौर में आए या फिर खरगोन में जो पकड़े गए, पुलिस ने सबसे पहले यहाँ पकड़ा, उन लोगों पर कड़ी धाराओं में मुख्य तौर पर गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में उन्हें बंद किया, उन पर NSA जैसी कार्रवाइयाँ की गई, लगातार उन लोगों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए हैं और इसके कारण इस पर पूरी तरह से लगाम लगी है। अब जो मामले आ रहे हैं, अब मामले से कालाबाजारी के नहीं आए, अब इस तरह के बेचने के नहीं रहे, इस तरह के मामलों के प्रयास के मामले आ रहे हैं, यानी कि इस तरह का प्रयास शुरू होने से पहले ही पुलिस उन तक पहुँच रही है, उनको उनके इरादों को ध्वस्त कर रही है और यह एक दिशा में बड़ा एक पुलिस की सफलता मिल जाए। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जो संक्रमण बढ़ा है, यहाँ पे भी अलर्ट रहने के लिए आपने निर्देश दिए? हम जानते हैं कि एक पूरा एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अगर आसपास के परिवेश को देखें, आसपास के जिलों को देखें, तो उन चीज़ों से हम अपने को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो 3-4 जिलों की हम लोगों ने पिछले दिनों आंकड़ों का अध्ययन किया है, जिसमें बुलढाना, जलगांव और अमरावती 3 जिले हैं जो आसपास लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम संभाग स्तर पे बात करें तो बड़वानी, यहाँ खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा ऐसे जिले हैं जिनकी महाराष्ट्र से सीमाएं लगती हैं। इनमें देखा गया कि 15 मई के बाद अमरावती जैसे जिलों में कई चीज़ों के केसेज की बढ़ने की संख्या देखी गई। अगर ये संख्या बढ़ती है तो मुख्य तौर पर देर सवेर इस तरह की चुनौती हमारे यहाँ भी आ सकती है, इसलिए दो स्तर पर हमें ध्यान देना है। मुख्य तौर पर किसी भी तरह की जो छूट देने के बाद भी व्यक्तिगत आचरण में, व्यक्तिगत प्रयास में हमें कोई ढिलाई नहीं रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरा, हमारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं जिसको हम लोगों ने व्यापक किया है, वो उसी ढंग से काम करते रहें और लोगों में जागरूकता का अवसर उतना ही बेहतर रहे, वैक्सीनेशन में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। अगर इन सारी चीज़ों का हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ संख्या नहीं बढ़ेगी और आने वाली किसी भी लहर से निपटने में हम सक्षम होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।